गोंदिया शहर में 90 साल पहले श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य स्वर्गीय फुंडे ने करवाया था। उसके बाद 30 से 40 साल पहले स्वर्गीय अन्नाजी पारधी ने श्री राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी युवा कुनबी संगठन समिति को दी थी, लेकिन कुछ जिन कारणों से काम रुका हुआ था, लेकिन फिर से युवा कुनबी संगठन द्वारा श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। और इस बार यह काम गोंदिया भंडारा के सांसद सुनील मेड़े और गोंदिया विधानसभा के विधायक विनोद अग्रवाल ने किया है। इस तरह इस कार्य के लिए सांसद और विधायक ने 50 लाख सांसद और विधायक ने 50 लाख दिए हैं। और इस मंदिर का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाएगा और जल्द ही इस स्थान पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। 90 वर्ष पूर्व स्वर्गीय पुंडे जी उन्होंने अपने मालकियत के जमीन पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में आज से करीब 40-45 साल पहले स्वर्गीय अन्नाजी पारधी इनके नेतृत्व में युवा कुनबी संगठना को इस व्यवस्थापन की जवाबदारी दी गई और उसके बाद में आज हमारे गोंदिया के पूर्व विधायक और युवा कुनबी संगठना के अध्यक्ष रमेश भाऊ कुथे इनके नेतृत्व में उनके टीम द्वारा आज इस श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण करने का कार्य शुभारंभ कार्य हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सन्माननीय सुनील जी मेंढे इनके हस्ते साधारण 90 वर्षापूर्वी हा मंदिराचं निर्माण आज परत आपण पुनर्निर्माणाची सुरुवात करतो आहे आणि एका चांगल्या वातावरणामध्ये आणि विशेषतः ज्या वेळेस अयोध्या येथे आपल्या येणाऱ्या 22 तारखेला प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराची पुनर्स्थापना होत आहे त्याच्या पार्श्वभूमीवरती आपल्या गोंदिया शहरातसुद्धा या मंदिराची पुनर्निर्माणाची सुरुवात झाली, एक चांगला योग म्हणावा। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।